इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखीमपुर के रेल बस स्टेशन पे और यहाँ पर आज बेट परीक्षा का दूसरा दिन है। कल यहाँ पे हजारों की तादाद में परीक्षार्थी आए थे और उन परीक्षार्थियों को यहाँ बड़ा अफरा तफरी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे बसें की व्यवस्था नहीं थी और कई परीक्षार्थी यहाँ पे परेशान देखे गए। आज फिर दूसरा दिन है सेट परीक्षा का एग्जाम का। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ परीक्षार्थी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका ये कितना है, कौन सा साल है। क्या नाम है आपका? परमानंद अखंड प्रताप से। कहाँ से आए हैं? परम सुल्तानपुर से आए। सुल्तानपुर से आए? तो सुल्तानपुर से लखीमपुर आना है या यहाँ पर आपका परीक्षा हो गया? परमानंद करीब 2000 रुपये तो कर इसके अलावा ये पहला साल है आपका यहाँ? नहीं, हमारा तीसरा साल। तीसरा साल? तो तीसरे साल में आप दो अटेम्प्ट आपके खाली देंगे? हाँ, दो अटेम्प्ट खाली करेंगे। लेखपाल का और इस आपको क्या लगता है परीक्षा देने के बाद आपके लिए रास्ते आसान? नहीं, ऐसा तो सर कुछ ही नहीं है। अब अपना दूसरे जो मैंने करवाया गया है कम से कम मंडल में तो यही देना चाहिए, अपने मंडल में करा दें। खास करके जो हमारी ग्रामीण लोग हैं उनको इतना दूर देते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा दूसरे का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अभी जरूर सोचना चाहिए कि कल मंडल में करा दें तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद वैकेंसी आएगी तो काम बनेगा। अगर वो मंडल में करवा करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, आप अगर परीक्षा दी कर रहे हैं तो आपको आगे तरह की जॉब में आप लगते हैं? हमें नहीं लगता, एक साल पहले की थी तो वो तो समाप्त ही हो जाएगी, उसके पहले कुछ होगा कि नहीं होगा इसका कुछ नहीं पता। इससे पहले आपको परीक्षा दी उसका हिसाब से हुआ ही नहीं, तो पिछली बार पिछली बार क्या बहुत से लोग आए हैं। आपका पहला अटैम्प्ट? नहीं, मेरा भी तीसरा है। दो बार पिछले साल मैंने दिया था, लेकिन मैं सरकार से एक जल्द करना चाहता हूँ कि जो पेपर हम करवा रहे हैं उसे एक साल पूरा हो गया। एक साल में कोई भी अगर मतलब परीक्षा नहीं करा पाए उसके बाद फिर जाएंगे तो राशन चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ मतलब सरकार से दो दिन मेरा जब भी पेपर करवाएं तो कम से कम कोई कोई जो है वैकेंसी क्लियर करें। और उसके बाद जो है जैसे इसकी जो लिमिट है एक साल है, एक साल से उसको मतलब और आगे बढ़ाएं। और एक मतलब और मैं अपने मतलब जैसे सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो बहन बेटियों का पेपर मतलब हूँ जैसे 400 किलोमीटर हम लोग आए हैं, जो लड़कियाँ हैं बेटा जी कैसे कैसे करके हम लोग मतलब उनके साथ में आते हैं, कितनी परेशानी होती है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं है। मैं और ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पेपर होता है उससे मतलब बड़ी पोस्टों का पेपर जो होता है वो जो है हम डिस्ट्रिक्ट में दे देते हैं, और जो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है जिसका फिर पे मतलब इंडिपेंडेंट है इसको आप इतना दूर भेज देते हैं। पेपर अभी नहीं है, पेपर तीन में देते हैं। आपको क्या उम्मीद लगती है इस बार अगर आप परीक्षा ये पास कर जाएंगे तो एक साल की वैकेंसी होगी? सर मैं जो है यूपी जनरल और सीटर भी क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं पेपर में जो है एग्जाम कोई वैकेंसी आए उसमें हम लोग जो है शामिल हों, लेकिन कुछ सरकार जो है मतलब कोई इंतजाम नहीं दे रही है रोजगार के ऊपर, बस सिर्फ लोगों को पेपर दिलवा रही है बस सरकार। काफ़ी अब बच्चे शरीर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़्यादा दिखाई नहीं।
परीक्षा जी आपका पेपर नहीं दिया जाएगा नहीं क्यों मिलती है बोले हाँ हो तो अभी आप बसेज वगैरह आपको यहाँ पर मिल सकते हाँ बसें तो वो काफ़ी तक हो ये कराए पेपर कराना ही बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये वैकेंसी भी इस पर निकाले पिछले साल का कितना पेपर कराए हुए हैं अभी तक जो दो तीन वैकेंसियाँ आई हैं वो भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक और ये अगला फिर करा रहे हैं। आपको क्या आशा है इस बार अगर आप एग्जाम क्वालीफाई कर लेंगे तो आपको नहीं क्वालीफाई तो मेरा पिछले बार में भी बात है एक साल आपने इंतजार किया अभी एग्जाम जो आया है कुछ वैकेंसी आई उसमें डाला और एग्जाम नहीं हुए जैसा आपने देखा यहाँ पर बहुत से लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं उनका ये कहना भी है कि अगर सरकार ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है अगर इसको हमने होम टाउन में या किसी गरीब के टाउन में कर देगी तो उसके लिए इतनी ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं और इनका कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार बेड की परीक्षा हो रही है लेकिन किसी तरह की कोई वैकेंसी सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है तो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट का बेड परीक्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है। स्वतंत्र प्रभार के लिए अब्दुल करीम। Thank you.